मर्डर नहीं है, यहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ कोई रेट नहीं है, इतना फोर्स को बुलाया वो उसको हम जायज नहीं देखता है यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। इस वक्त हम मौजूद है यजाली, जहाँ पर इवेक्शन किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और यहाँ के हम लैंड इफेक्टेड पर्सन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इवेक्शन के मजिस्ट्रेट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, एंड हाईवे के JEA से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे एपी डायरेक्ट के साथ। आज जो आपका घर को यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट आके इवेक्शन कर रहा है, तो इसका एग्जैक्टली आप डिटेल से बताइए, ये किस तरह और क्यों हुआ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एपी डायरेक्ट मीडिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मेरा घर को एडजॉइनिंग पार्ट को एवेक्शन करा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो बात यह है कि ये अभी का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है, 2006-07 से होते आया मेरा ये ज़मीन का बारे में लेके। तो खास करके अभी फ़िलहाल 2014-15 में हमारा हाईवे लोग मेजरमेंट करके हमको असेसमेंट किया, उसमें पैसा कुछ दिया है। उसके बाद अभी जो अभी फ़िलहाल जो अभी चल रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, लोकल ये ADC की तरफ से, हाईवे इंजीनियरिंग और DLRSO सर्कल ऑफिसर्स एंड हाई ये हाईवे का जो कंसल्टेंट वो सब आ करके 2-3 बार वेरिफिकेशन हो चुका है, देख भी चुका है एरिया को। तो मेरा ये यही है कि आज जो हमको सडनली इवेक्शन का टाइम नहीं दिया है, हमको 5 दिन का अंदर इवेक्शन करना है बोल के ऑर्डर मिला, फिर वो आज इवेक्शन करने दे रहा है। तो आपका ये हिसाब से क्या क्या आपका इसमें डैमेज हो चुके हैं, आप कितना कॉम्पेंसेशन उसमें अप्लाई किया था और आपको कितना मिला है? तो हम सबसे पहले हम बहुत पुराना समय से हम अप्लाई करते ये कंपनसेशन के लिए हम दिया हुआ है और उन हमको भी पेमेंट भी किया है। हमको एक बार 2017 में 25 लैक्स दे चुका है। और उसके बाद जो ये हाईवे का असेसमेंट जो है, ये ब्रिज पॉइंट के वजह से हम लोग को जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोग क्लियर कट कंसेप्ट नहीं दिया है, क्योंकि रास्ता RHS में जाएगा ना LHS में जाएगा, तो उसका वजह से मेरा घर जो अभी तक जो आप देख सकता है पीछे में स्केलेटन बना हुआ है, 10 साल से हम घर मत बनाओ, 15 साल से मत बनाओ बोल के रुका हुआ है अभी मेरा बिल्डिंग जो। तो बाद में जाते जाते अभी जब फाइनल पेगिंग हुआ, उसमें क्लियर कट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बोला है कि आप ये ब्रिज जो ऊपर तरफ RHS में जाएगा, तो जाने से ये हमारा घर एरिया जो इफेक्ट पड़ता है जो एडजॉइनिंग जो। तो ऐसे करके पूरा असेसमेंट किया हुआ है, टीम आया है डिप्टी कमिश्नर से, हम लोग एक्चुअली ADC ऑफिस में डिस्कशन हुआ है, मैन टू मैन डिस्कशन करके बाद में बोर्ड बनाया, डिप्टी कमिश्नर से बोर्ड बनाया, वेरिफिकेशन हुआ, उसका हिसाब से यहाँ में जितना मेरा जो इफेक्टेड है उसको प्रॉपर्टी असेसमेंट किया है, उसमें टोटल बोला जाने से मोर देन 1 करोड़ का असेसमेंट उन लोग का हिसाब से बना के रखा है डिपार्टमेंट ने, बना दिया 1 करोड़। हाँ, तो मिला कितना आपको? हम 2017 में हमको 25 लैक्स सिर्फ मिला है। तो जितना भी आपका डिपार्टमेंट जो आपका जो एक्सेस जो किया है, आपका जो लाइन मार्क किया है, तो उधर तक का आपका जितना भी आपको देना चाहिए डिपार्टमेंट वाला ने 1 करोड़ आपके लिए ऑलरेडी सैंक्शन वो कर दिया था, लेकिन आपको पूरा नहीं मिला वो आपका हिसाब। तो अभी जो इवेक्शन हो चुके हैं, हो रहा है अभी आपका घर को, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है डिपार्टमेंट वाला? तो मेरा ये है कि कोई भी इंसान जो हमारा हाईवे को कोई नहीं जाने के लिए कोई भी नहीं सोचता है, मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि हमारा हाईवे होने से हमारा ये इस एरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कोई भी सुविधा ले सकता है। जैसे अभी हम यजाली से जीरो जाने में पहले हमको 1-2 घंटा लगता था, अभी हम हाफ एन आवर में पहुँच जाता है, और ईटानगर में हमको 3-4 घंटा लगता था, अभी हम ईटानगर 1 घंटा आधा में चला जाता है। तो इसी हिसाब से हम शुरुआत से Day 1 से हम वही बोला है कि हम लोग हाईवे का साथ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्लियर कट बोला है, जितना हम लोग का जो पेंडिंग था अफेक्टेड पीपल्स, हम लोग सिंगल वर्ड में बोला है कि हम लोग को कॉम्पेंसेशन दे दो, हम लोग हाईवे को हम लोग साथ देगा।
और जितना हम भी बोला है कि कभी हम लोग हाईवे को जाने देगा नहीं जाने देगा बोलकर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया है अभी तक। तो इस हिसाब से हम लोग पहले ये मेरा एग्जॉइनिंग जो बिल्डिंग है उसका ताओ लेली का है, उसमें मेरा ये प्रॉब्लम है कि इसमें बीम कनेक्टेड है, स्लेब कनेक्टेड है, वॉल कनेक्टेड है और पिलर कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से मेरा अभी जो फर्स्ट पेज में जो ऑलरेडी कट चुका है उसमें मेरा पूरा इफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, क्रैक हो गया और इंटरनल वॉल में क्रैक हो गया, वाटर लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है। रूम तो आप देख सकता है, वीडियोग्राफ आप क्लियर कट दे सकता है। ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पूरा मेरा डैमेज हो चुका है। तो इस हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोला है कि हम मेरा जो बाकी जो कंपेंसेशन है उसको दे देना है बोल के, मेरा वही हम ऑलरेडी डीसी को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिटर्न कंप्लेन दे के रखा विथ फोटोग्राफ। तो उन लोगों का तरफ से क्या जवाब आया? आज तक हमको तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ये रिटर्न कंप्लेन रिप्लाई नहीं दिया है और हम लोकल विधायक एमएलए से भी हम दो तीन बार बोल चुका है और हमारा ये एडीसी को भी हम बता चुका है, डीएलआरओ को भी हम बता चुका है, डीसी सार को भी हम बता चुका है रिटर्न के साथ, लेकिन आज तक हमको हाँ पैसा नहीं मिला है। पैसा आने से देगा 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 बोल के सिर्फ बोल के रखा है, लेकिन अभी वो मेरा कभी कभी सुनने में आता है कि मेरा जो इफेक्ट नहीं है बोल के, इफेक्ट नहीं है बोलता है, इफेक्ट नहीं है तो मेरा घर क्यों किस लिए क्रैक हुआ है। हम उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम वही बोलना चाहता है कि सवाल करना चाहता है कि अगर मेरा घर इफेक्ट नहीं होता तो आप कमेटी बना करके किस लिए असेसमेंट किया, तो वो घर किस लिए क्रैक हुआ, यही मेरा मेन है। मेरा कोई ये हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ हाईवे बनना है, लेकिन मेरा वही है कि मेरा कंपेंसेशन को जल्द से जल्द देना चाहिए, वही मेरा अपील था। जो आपने कहा है कि जो डिपार्टमेंट वाले ने बोला है कि अभी जब पैसा नहीं है डिपार्टमेंट का, ये कौन सा वाला बोला है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव बोला है ना डीएलआरओ बोला है? अभी वो पैसा नहीं है बोलने वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर कट है। हम डिप्टी कमिश्नर को डीएलआरओ को हम ऑलमोस्ट 2-3 टाइम मिल चुका है, बात भी किया और मेरा यहाँ डीएलआरओ भी 2-3 बार आ चुका है, एडीसी आ चुका है, डीसी सार भी विजिट कर चुका है और लोकल यहाँ का सर्कल ऑफिसर सीओ तासी तोंगदोक भी कम से कम 10 बार जैसा यहाँ विजिट किया है। तो रिसेंटली नेक्स्ट महीना में मई मंथ में एक्चुअली सीओ हेड क्वार्टर का जो चुहू तबा सर्कल ऑफिसर वो भी पूरा विजिट किया है इंस्पेक्शन, मेरा जो डैमेज वाला पार्ट को देखा। और ये महीना का 4-5 दिन आगे भी हमारा यजाले सर्कल का सर्कल ऑफिसर सीओ तासी सार भी खुद आके पूरा देखा है। तो उसका बाद आने का बाद उन लोग क्या बोला है? उसके बाद देखिए हम भी रिक्वेस्ट किया, अपील किया सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरा कंपेंसेशन को थोड़ा आप कुछ जितना हो सकता है आप दे दीजिए, क्योंकि रास्ता जाना है, हमको भी चिंता है, हम भी एक समाज के लिए हम भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। हम बोला है कि हम भी रेडी है लेकिन हमको भी कुछ अल्टरनेट कर दीजिए, कुछ ऑप्शन कर दीजिए ना, तो हम भी कहीं शिफ्ट कर सकता है, मेरा कहीं दूसरा घर है ही नहीं, ये सिंगल घर है। तो हम लोग तो हार्ड अर्न से सैलरी से कमाया वाला बनाया बिल्डिंग है, तो डैमेज हो जाने से या कहीं अल्टरनेट करने का मेरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए हम बोला है कि देखो अगर हो सकता है तो जो अभी पोर्शन में एडजॉइनिंग पोर्शन में कट रहा है उसमें टोटल वैल्यूएशन 65 लाख निकला है, ये हमारा फ्रंट को छोड़ के और पीछे को छोड़ के, लेकिन मेरा जो मेन जो है अभी एडजॉइनिंग पार्ट वाला उसको हम बोला है उसका वैल्यूएशन 65 लाख है और हम 25 ऑलरेडी ले चुका है, 25 लाख 40 लाख है। तो हम बोला उसे भी कम से कम आप 50% दो, हम कहीं कच्चा घर बना के भी बैठ लेगा और साथ साथ में हम उसको कटने देगा बोल के हम वो भी एश्योरेंस बात कर चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएलआरओ को भी और हम अपना लोकल एमएलए को भी हम वो बात को बता चुका है। तो उन लोगों की तरफ से क्या जवाब है? अभी तक कोई सिंगल होर्ड है, रिकवरी नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, उन लोग का जो एक्सेस पेमेंट का जो रिकवरी जो उन लोग पैसा अभी तक नहीं दिया है बोल के, तो सुनने में आया है हम यहाँ 2017-18 में एफएफसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रिकॉर्ड में देखा है उसमें 42.20 करोड़ एक्सेस पेमेंट है पोतिन टू अन्या गेट तक ना, लेकिन वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है अभी तक देखा जाने से। डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी तक नहीं आया है चीज़ जो पैसा है जो रिकवरी जो करना चाहिए था
उसका जब आ जाने से कि आपको देगा बोला है कि हाँ वो बोला है कि हाँ जब आने से देखेगा, आने से देखेगा, अभी कितने दो बोल रहा है। तो इस हिसाब से हम भी सोचा ठीक है, हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितने दो निगोशिएशन बात करके कब देगा सोचा है। तो वेरी शॉर्ट टाइम में डीसी सर ने 133 सीआरपी लगा करके ऑर्डर इवेक्शन ऑर्डर लगा निकल दिया। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं भी एक सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी है समाज के लिए ना, तो मैं ऐसे नहीं सोचा था कि वो 133 सीआरपी सी लगा करके उसको इवेक्शन करेगा। नॉर्मली हमको बोलने से हम खुद भी कट दे सकता था या सीओ साहब बोल करके कट भी दे सकता था। तो आज हम आप देख सकता है जितना ये सीआरपीएफ आईटीबीपी आईआरबीएन एपीपी जितना जो डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस फोर्स को लगा करके इतना छोटा सा चीज़ को वो करवा रहा है, तो हमको उसको तो हम उसको इतना जायज़ नहीं मानता है, क्योंकि वो इतना छोटा चीज़ को इतना, जबकि यहाँ मर्डर नहीं है, यहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ कोई रेट नहीं है, इतना फोर्स को बुलाया वो उसको हम जायज़ नहीं देखता है यहाँ। तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट आपको एश्योरेंस दिया है कि फ्यूचर में जब आने से देगा, तो आप कभी ऐसा क्राइम नहीं किया कि उसको रिटर्न फॉर्म में मांगने के लिए ये चीज़ को जो अभी रिमेनिंग आपको जो पैसा मिलना चाहिए? हाँ, उसको हम आपका जो एपी डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से मैं क्लियर कर बता देता हूँ। कल हम डिप्टी कमिश्नर का उधर गया था 19 ये कल ऑफिस में गया था, कल दिन भर सार को उधर ऑफिस में गया, अफ्तारनून में गया तो सार बोला है कि नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। तो हम तो ठीक है नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बोल के हम लोग निकल के आया है, वही है। तो क्या फ्यूचर में अगर कल आज तो आपका जो इलेक्शन हो रहा है, तो कल क्या फिर दोबारा जाके डीसी साहब से या डीएसओ साहब से आप लोग मिलने की कोशिश करेंगे? हाँ, बात यह है कि क्योंकि मेरा ज़मीन को उन लोग करवा काट रहा है, ये अफेक्टेड को काट रहा है, मेरा ज़मीन बोल के नहीं, मैं बोला हूँ मेरा ज़मीन जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा घर अफेक्ट है, क्योंकि हम वो सोचते हैं हाईवे का रेत को देने से हम ज़मीन को देने के लिए 100% हम रेडी नहीं है, क्योंकि उसका इतना वैल्यू कम है। आज का दिन में आप सरकार 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में ऐसे एरिया में मिल सकता है। तो इस हिसाब से हम बोला है कि ज़मीन को हम देने दिल नहीं देगा, और जो बिल्डिंग अफेक्टेड है उसको हमको गौर करना देख देना बोल के वही मेरा अपील था। डिपार्टमेंट से जो कहना चाहता है ना, जो अभी जो रिमेनिंग आपको जो पैसा उसको वापस दे दो। खास करके मेरा वही है, अभी भी तो हम वो बोला ठीक है आप लोग कटने जा रहे हैं, मेरा बात वही है कि कटने से हमको बोल के हाँ ऐसे बोल कट लेगा बोलने से हो जाता है, लेकिन मेरा एक दिल में वो दुख है कि इतना पुलिस फोर्स 133 सीआरपीसी लगा करके जहाँ रियोत होता है, जहाँ रियोत होता है उधर 133 सीआरपीसी एप लगाता है, जहाँ मर्डर होता है, जहाँ ये क्या बोलता है आपका ये प्रोसेशन होता है, उस जगह में आप इतना मैन पावर पुलिस फोर्स यूज करता है, ये वन वे जो हम देखा जाने से ये इसका इतना जो ज़रूरी नहीं था हम जो सोचता है। थैंक यू। वी आर जस्ट फॉलोइंग द डीसी सर्स ऑर्डर, तो हम इतना डिटेल्स में नहीं बता पाएगा, एंड आई एम नॉट ऑथराइज और कॉम्पिटेंट एनफ, तो आप कुछ भी डिटेल्स इसके इस जो आज जो हमारा डिसमेंटलिंग प्रोसेस जो हो रहा है, तो फर्दर डिटेल्स आपको और चाहिए या जानना है, तो हम आप रिक्वेस्ट है आप लोग से, तो हमारे डीसी सर को ही अप्रोच कीजिए, वही आपको डिटेल्स में बता पाएगा। अभी नया है ना, हम डिटेल स्टडी कर लेगा, होगा ना डिटेल स्टडी करके आपको बाद में बताएंगे। हाँ, डिटेल बाद में हो कर लेगा, अभी तो नया है तो ना डिटेल हम देखना पड़ेगा। ओके।